हम लोग को तो अभी सुरेंद्र यादव देख रहे हैं। सुरेंद्र यादव क्यों? महागठबंधन का ही आज इस बार लहर है, इसलिए जी। अच्छा, क्या लगता है सुरेंद्र यादव विकास का काम करेंगे? करेंगे। अरुण कुमार ने कितना विकास का काम किया है जहानाबाद में, वर्तमान के सांसद भी? अरुण कुमार तो हम लोग से अभी तक भेटे नहीं होता, नहीं आते। अच्छा, विकास का फिर भी काम उन्होंने किया या नहीं किया? क्या है, हल्का फुल्का। त्रिकोणीय लड़ाई में तो बेहतर प्रत्याशी में अभी सबसे ज़्यादा तो आगे अरुण कुमार ही दिख रहे हैं, और अरुण कुमार के दिखने की वजह यह है कि वो अभी जितना मतलब एमपी के प्रत्याशी है उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ईमानदार, साफ सुथरा छवि वाले वो हैं, और अच्छा काम भी किए हैं। मतलब अभी जो फिलहाल में जो सांसद भी रहे हैं वो अच्छा काम भी किए हैं अरुण कुमार, और प्लस में उनके टक्कर में तो फिलहाल अभी कोई नहीं है, सबसे आगे वही अरुण कुमार ही हैं। अच्छा, इस ये जो त्रिकोणीय लड़ाई है, एक तरफ जेडीयू से चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव, अरुण कुमार, इन तीनों में टक्कर किस में देखने को मिलेगा? जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड की यदि बात करें तो ये रेशियो फर्स्ट में तो अरुण कुमार ही रहेंगे, क्योंकि आज हमने भी देखा सुशील कुमार मोदी का वो रोड शो था यहाँ पे, जो कि सुशील कुमार की मोदी में जो कुछ बाइक थी, कुछ फोर व्हीलर गाड़ियाँ थी, तो गिन के मतलब बाइक या 20 या 25 की एवरेज मतलब टोटल बाइक, और 5 या 6 फोर व्हीलर थी जिसमें कोई भीड़ नहीं पाया गया। प्लस में ये है कि चंद्रवंशी का अपना तो कुछ है नहीं, बस वो मोदी जी के लहर का कुछ उनका नाम भी हो रहा है और उनका कोई सपोर्ट नहीं है। प्लस में मैं एक युवा हूँ और युवा को चाहिए एक ऐसा प्रत्याशी जो शिक्षित हो। अच्छा। ना कि हमें कोई बाहुबली चाहिए। अच्छा। और शिक्षित और पढ़े लिखे इंसान जो होते हैं वही आपके शहर का विकास कर सकते हैं, और ऐसा ही शिक्षित और पढ़े लिखे जो हमारे अभी जो फिलहाल के जो सांसद अरुण कुमार हैं, हम लोग उनको इस बार बहुत एक लहर के रूप में, मोदी लहर से ज़्यादा उनके लिए लोगों की जो हमदर्दी है, जो समाज में गुस्सा है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने और भाजपा के जो हम लोग न्यूज़पेपर और मतलब सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार पर जो समाज का गुस्सा है उसको लेकर अरुण कुमार अब भी रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। हमें तो यही दिख रहा है कि अरुण कुमार 5 साल पहले भी रहे हैं, उससे पहले भी रहे हैं 5 साल, उनके दरमियान जितना अच्छा वर्क हुआ, और बीच में सुरेंद्र यादव का भी हम लोग कार्यकाल देखे हैं, मगर अरुण कुमार से बेटर नहीं देखने को मिला है हम लोग को। विकास का काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है ना। तो किस क्षेत्र में विकास का काम? शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, मतलब जिस क्षेत्र में देखिए, मतलब स्वास्थ्य में देखिए, हॉस्पिटल वगैरह सब काम सही ढंग से हो रहा है अभी के डेट में। हॉस्पिटल वगैरह बने हैं? हाँ, नया हॉस्पिटल अभी बना है वो, और किसी भी प्रकार का शिकायत होता है वहाँ तुरंत कार्रवाई होती है अभी के डेट में। कैसी कौन दिख रहा है जाने वाले? अरुण कुमार तो बेहतर क्यों लग रहा है? ओवरब्रिज वही बनवाए हैं यहाँ पे। अच्छा, ओवरब्रिज वही बनवाए जी। और क्या क्या काम किया और उसके बारे में? अच्छा, टक्कर किस में देख रहे हो, सुरेंद्र यादव, अरुण कुमार, या फिर अरुण कुमार और चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी? अरुण कुमार के साथ किसका टक्कर होगा? ये सुरेंद्र यादव का टक्कर होगा जी। इससे हम 100 जवाब का 1 जवाब में कहना चाहते हैं कि यहाँ से तो हमारे बसपा के जो अरुण कुमार हो रहे हैं वही सिलेक्शन हो रहे हैं, और क्या। टक्कर किस में देख रहे हैं? टक्कर बस एक सुरेंद्र यादव हो गए, एक हम लोग के जो क्या उनको कहते हैं, अच्छा मतलब कि हम लोग हर समय हम लोग को भी सपोर्ट किए हैं, वो भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, अरुण कुमार को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। युवा जो हम लोग हैं वो बस इन्हीं को सुनना चाहता है, अगला पार्टी को देखना नहीं चाहता। अच्छा, कितना विकास का काम हुआ है? विकास का काम हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज में अच्छा ही रहा, विकास हुआ है। हाँ, अब विपक्ष कुछ भी हल्ला तो करना उनका काम है, विपक्ष रहेगा तो कुछ होना ही है।